ओए मीरा, सुन पुत्तर, तुसी ऑफिस जा रही हो? जी आंटी। ओए काम वाम छड़, शादी के बारे में सोच। मैनू ये दस, तेरी ऑफिस विच कोई चंगा मुंडा है भी कि नहीं? पता नहीं आंटी। ले, तेनू नहीं पता? तेरी उम्र में तो मैं सारे हैंडसम मुंडे नू देखा करती थी, पर हाँ मुंडे नू ये पता नहीं चलना चाहिए कि कुड़ी मैनू देख रही है, वरना उनके भाव बढ़ जाने। अच्छा आंटी, आप तो बड़ी पुरानी खिलाड़ी हो। ओए मीरा, गल तो सुन। ओए कुड़िए, ओए सुन, वो 6th फ्लोर पे ना एक मुंडा आया है, तुमने देखा उसको? ओए होए होए, बड़ा सोना मुंडा है, वेरी हैंडसम टाइप। सुना है किसी बैंक में मैनेजर है। आंटी, बैंक में मैनेजर हो या कुछ और, मुझे क्या करना है? ओए कुड़ी, एक बार देख ले, देखने में क्या हर्ज है। ओए, मुझे तो लगता है सिंगल है, इससे पहले कि और कुड़ी। आंटी स्टॉप, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी शादी की बहुत टेंशन है, लेकिन अभी मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो ओए, अभी नहीं करनी तो बाद में तो करेगी ना। अभी से मुंडे देखेगी तभी तो जाके कोई ना कोई बात बनेगी। तू कहे तो उससे तेरी बात चलाऊं क्या? आंटी एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ, थैंक्स। हाय रब्बा, जानम जानम जानम। थैंक यू। पुन्नू, अभी का नंबर दो। क्या बात कर रही हो ददिया, नंबर नहीं होगा मेरे पास। ये मिल गया। बेल जा रही है। हेलो अभी बेटा, नमस्ते, कहाँ पर हो? शूटिंग? एक मिनट। अच्छा ये बता, मेरी बहू रानी कैसी है? अच्छी है? वाह, और बिटिया? ओ, उसको मेरा ढेर सारा प्यार देना, और बहू को भी बहुत सा आशीर्वाद, और अपने मम्मी पापा को भी नमस्ते कहना ना भूलना, ठीक है? अभी बेटा चल चल चल, शूटिंग कर। बाय बाय। उन्होंने किसको फोन लगाया था? सॉरी ददिया, गलती से ना अभिषेक को फोन लग गया है। हाँ, ओ अच्छा, अब मेरे अभी को फोन लगा। हाँ, वो नंबर नहीं है ना, प्लीज दो। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, 98 2। हेलो, नमस्ते बेटा, कैसे हो? कौन? अरे मैं बोल रही हूँ, पुन्नू। प्रेमवती। कौन प्रेमवती? मुझे नहीं पहचाना? अरे रिश्ते वाली बुआ। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा पागल। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।